दोस्तों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आइए कुछ जरूरी बातें की जाए। दोस्तों, आप लोग सड़क के ऊपर बने पुल को देखते होंगे, ये अब हर जगह लोहे के बने होते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है, सोचा है क्या आपने? अब ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने गांव में आज भी हम लोग लकड़ी का बना पुल देखते हैं कहीं कहीं। जब पुल लकड़ी से भी बन ही जाता है तो लोहे धातु से इसे क्यों बनाया जाता है, सोचिए जरा। निश्चित ही आप इसका जवाब सोच लिए होंगे, तो आइए देखते हैं। लकड़ी का जो पुल है वो बड़ी आसानी से टूट जाता है और फिर यातायात में दिक्कत होती है, वहीं लोहे का बना पुल बहुत मजबूत होता है और इसका टूटना इतना आसान नहीं होता। ये चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। लोहा एक धातु है और वहीं लकड़ी में कार्बन होता है जो कि एक अधातु है। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि धातु ठोस और मजबूत होता है और अधातु ऐसा नहीं होता। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं धातु के कुछ उदाहरण। धातु के मुख्य उदाहरण हैं आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि। आपसे अनुरोध है कि इनको ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा, छुआ होगा। जरा ये देखिए, थाली, कटोरी, ग्लास और रसोई घर के सभी बर्तन धातु के ही तो बने होते हैं। अब आप ये सोचना शुरू कर दीजिएगा कि देखने में ये होते कैसे हैं और इनके गुणधर्म क्या होते हैं, क्योंकि इसको आगे इस्तेमाल में लाएंगे। तब तक एक बार अधातु को भी देख लेते हैं। अधातु के मुख्य उदाहरण हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस और हाइड्रोजन। अब इनको भी हम आम जिंदगी में रोजाना देखते या महसूस करते या इस्तेमाल करते हैं। इनके भी गुणधर्म को याद करिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। हाँ दोस्त, आज के इस वीडियो से जो पाठ हम शुरू कर रहे हैं वो है धातु एवं अधातु, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहते हैं। और आज वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। बच्चों, मजे की बात तो ये है कि लगभग इन सभी गुणधर्मों से आप पहले से ही परिचित हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, लेकिन सर्वप्रथम उदाहरण सामने रखते हैं, एक धातु का और एक अधातु का। एल्यूमिनियम जो कि एक धातु है और सल्फर और ऑक्सीजन जो अधातु हैं। इन सबके गुणधर्मों के बारे में तो आपको पहले से पता ही है, तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं धातु और अधातु को लिख देती हूँ और अब मैं गुणधर्मों को बताऊं और आप ये बताएंगे कि धातु और अधातु में वो कैसा होता है। रेडी हैं आप लोग? वीडियो के बीच में ही सोचकर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा और जिसका जवाब सही हुआ उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। हर गुणधर्म को सही बताने पर एक नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे पदार्थों की अवस्था के आधार पर कि धातु और अधातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं। तो चलिए सोचिए जरा और जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, धातु ठोस होते हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम ठोस है। लगभग सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और वहीं अधातु सल्फर ठोस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस में मौजूद है और कुछ अधातु द्रव अवस्था में भी मौजूद होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो है चमक के आधार पर। अब आपको बताना है कि किसमें चमक होती है और किसमें चमक नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ, सही सोचा आपने।
धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। जरा एल्यूमिनियम को देखिए, वह चमक रहा है और सल्फर नहीं चमक रहा है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, जो है ध्वनि के आधार पर। पीटने पर दोस्तों आपको क्या लगता है, किसमें से आवाज आती होगी, धातु में से या अधातु में से? चलिए सोचिए और फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ, सही कहा आपने, अगर पीटा जाए तो आवाज आपको धातु में से आएगी और अधातु में से आवाज नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने अपने मार्क्स को जोड़ लीजिए। जिसको सबसे ज्यादा अंक आया होगा वो इस खेल का विजेता है। खेल में आशा है आप सबको मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम धातु के गुणधर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने एक नया पाठ शुरू किया था, जो है धातु एवं अधातु, जिसे हमने अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहा था। हमने एक खेल खेलते हुए धातु एवं अधातु के कुछ गुणधर्मों के बारे में जाना था, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि धातुएं आखिर दिखती कैसी हैं। बच्चों, आपने धातु की बनी काफी चीजें देखी होंगी, जैसे ताला, कैंची, चाबी, मंदिर की घंटी इत्यादि। कैसे दिखती हैं ये सब चीजें? आपने पाया होगा कि ये सभी चीजें कुछ भूरे से रंग की होती हैं, क्योंकि बच्चों धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी धातुएं भूरे रंग की होती हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है। जरा आप याद करिए कि सोना कैसा दिखता है, और शायद आपने अपनी रसोई घर में तांबे के कुछ बर्तन भी देखे होंगे, तो उनको भी याद करिए। आया कुछ याद? तो हाँ बच्चों, सोना कुछ पीले रंग का होता है और तांबा लाल जैसे रंग का होता है। तो आप सभी इन चित्रों में देख सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं धातुओं की भौतिक अवस्था के बारे में। बच्चों शायद आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने एक खेल खेला था और उसमें जाना था कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि लोहे की ये सलाखें, एल्यूमिनियम की ये पाइप्स। लेकिन बच्चों अब एक बार जरा ये सोचिए कि क्या कोई ऐसी भी धातु होती है जो कि लोहे की तरह ठोस ना हो? कभी सोचा है आपने इस बारे में? तो जरा अब ये देखिए, ये है पारा धातु, जो कि हमें द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब इसके बाद आप जरा ये सोचिए कि क्या आप लोहे को या एल्यूमिनियम को चाकू से काट सकते हैं? काट सकते हैं क्या? नहीं ना। अब हम जरा इस चित्र को देखते हैं। इस चलचित्र में आप देख रहे हैं सोडियम को। सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसी धातुएं हैं जो इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि धातुओं की अवस्था क्या होती है, अब बात करते हैं चमक की। आपने अपने घर में अपने बर्तन देखे होंगे, जैसे कि ये चम्मच, चाकू, काटा। जब ये बर्तन नए होते हैं तो इनमें एक चमक होती है। इसी प्रकार से सभी धातुओं में, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि, सभी में एक चमक पाई जाती है, और उस चमक को हम धातुई चमक कहते हैं, जैसा कि आपको इस चलचित्र में ये सोना चमकते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ आघात वर्धनीयता की योग्यता के बारे में। बच्चों आपको यह टिन के डब्बे दिख रहे हैं, और आपने ऐसे डब्बे अपने आसपास देखे भी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि धातुओं से इस प्रकार के डब्बे, अलग अलग आकार के डब्बे कैसे बनाए जा सकते हैं?
मेरे तो दिमाग में यह सवाल जरूर आया है। तो बच्चों, धातु की इसी योग्यता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। चलिए इसे इस प्रकार समझते हैं। यह एक ठोस धातु का टुकड़ा है जिसे पीट पीट कर ऐसी एक पतली सी चादर में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसी प्रकार से धातु की वह योग्यता जिसके कारण उसे पीट पीट कर विभिन्न आकारों के पात्रों में परिवर्तित किया जा सकता है, उस योग्यता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या आपको यह समझ आया बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले गुणधर्म के बारे में, जो है लचीलापन यानी डक्टिलिटी। बच्चों, धातुएं इतनी लचीली होती हैं कि उन्हें आसानी से खींचा जा सकता है और पतली सी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, ये कुछ ऐसे ही धातुओं के उदाहरण हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, शायद आप काफी थक गए होंगे, तो चलिए साइकिल से कहीं सैर करने निकल जाते हैं। अब दोस्तों, साइकिल चलाते टाइम अगर हमारे सामने कोई आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? जी हाँ, यही करेंगे ना आप। आप अपनी साइकिल की घंटी बजाएंगे, जैसा कि अभी हमने इस चलचित्र में देखा और सुना। अब आप यह सोच रहे होंगे कि घंटी में से आवाज आई कैसे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी धातु की बनी होती है और धातु पर जब चोट मारी जाती है तो उसमें से गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इसी गुणधर्म को हम ध्वन्यात्मकता कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ध्वन्यात्मकता क्या होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले गुणधर्म पर चलते हैं, ऊष्मा चालकता। ये देखिए बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर खाना बनाने के बर्तन धातु के ही क्यों बने होते हैं? जरा सोचिए इस पर। जी हाँ, आपने सही सोचा। सभी बर्तन खाना बनाने के लिए जो प्रयोग होते हैं वो अक्सर धातु के इसलिए बने होते हैं क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक होती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर, जो है विद्युत चालकता। चलिए एक चलचित्र के द्वारा इसे समझते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें हमने एक तांबे की तार ली और उसे बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी को एक छोटी सी घूमने वाली मोटर पर रखा। आप ये देखेंगे कि वो मोटर घूमने लगी। ऐसा हुआ कैसे और क्यों हुआ हो, सोचिए जरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तांबे की तार ने बैटरी से उत्पन्न होने वाले विद्युत को मोटर तक पहुंचाया। तांबे की तार विद्युत की सुचालक है। ऐसे ही चांदी, सोना, एल्यूमिनियम ऐसी सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सी धातु है? वो है चांदी। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो बिजली के तार अक्सर सिर्फ तांबे के ही क्यों होते हैं? सोना, चांदी या एल्यूमिनियम के क्यों नहीं? सोचा है आपने कभी इस बारे में? सोचिए इस पर और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि तारे सोने या चांदी से क्यों नहीं बनती। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना और चांदी ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं और इस कारण सोने और चांदी के तारों में विद्युत शक्ति का नाश भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना चांदी महंगे भी होते हैं। अच्छा, तो फिर सोना चांदी तो महंगे हैं, पर एल्यूमिनियम तो सस्ता भी है और हल्का भी, तो इससे तार क्यों नहीं बना सकते? तो दोस्तों, इससे हम तार इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें लचीलापन काफी कम होता है और बार बार मोड़ने पर ये टूट जाएगा। यहाँ हमने जाना कि बिजली के तारे अक्सर तांबे की ही क्यों बनी होती हैं।
तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने धातुओं के किन गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि धातुएं दिखती कैसी हैं, उनकी भौतिक अवस्था के बारे में जाना, धातुई चमक के बारे में पढ़ा, देखा कि धातुओं में लचीलापन होता है, यह भी जाना कि धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं और उनकी आघात वर्ध्यता के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी गुणधर्मों के बारे में समझ आया होगा और अगली वीडियो में हम लोग अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में और आज हम अपने अध्याय का तीसरा भाग शुरू करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे, तो चलिए देखते आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में और ये देखेंगे कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला गुणधर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है निष्प्रभता यानी कि डलनेस। तो बच्चों अक्सर अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं। यह चित्र है बेरियम अधातु का और यह चित्र है फास्फोरस अधातु का। अगर आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कोई भी चमक नहीं है। लेकिन क्या सभी अधातुएं गैर चमकदार होती हैं? सोचिए। नहीं, कुछ अधातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें चमक पाई जाती है, जैसे कि ये देखिए आयोडीन और ग्रेफाइट। अच्छा बच्चों, आप शायद यह सोच रहे होंगे कि ये ग्रेफाइट के चित्र में पेंसिल क्यों दिखाई दे रही है। तो बच्चों एक बड़ी ही रोचक बात ये है कि आपकी जो पेंसिल का सिक्का है वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। तो अब इसी पेंसिल के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले गुणधर्म को जानते हैं जो है भंगुरता। बच्चों शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि लिखते लिखते सिक्का टूट गया हो, हुआ है ना? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग सभी अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी कि चोट मारने पर या अधिक दबाव आने पर वह टूट जाती हैं। जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि उस पेंसिल पर अगर थोड़ा ज्यादा दबाव आया तो वो सिक्का टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि यह सिक्का ग्रेफाइट से बना है और ग्रेफाइट एक अधातु होती है। अब सवाल ये है कि क्या सभी अधातुएं भंगुर होती हैं? या कोई ऐसी भी अधातु है जो बहुत ज्यादा कठोर हो? क्या है क्या कोई ऐसी अधातु? जी हाँ, ये देखिए, ये है हीरा। और हीरा जो होता है वो कार्बन का ही एक प्रकार है, कार्बन से ही बना होता है और हीरा सबसे कठोर तत्व है। इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले गुणधर्म को जो है अध्वन्यात्मकता। अब इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि एक काम करिएगा कि आप एक लकड़ी का चम्मच लेना और एक स्टील का चम्मच लेना और इन दोनों को ही टेबल पर बजाकर देखना और फिर ये देखना कि किस में से गूंजने वाली आवाज आई, लकड़ी के चम्मच में से या स्टील के चम्मच में से। सोचिए जरा और बताइए कि किस में से आवाज आएगी। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा, स्टील के चम्मच में से गूंजने वाली आवाज आएगी और लकड़ी के चम्मच में से नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लकड़ी में भी कार्बन होता है जो एक अधातु है और अधातुओं का गुणधर्म है कि वो अध्वन्यात्मक होती हैं, यानी कि उन पर चोट मारने से उनमें से कोई भी गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत कुचालकता के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि सभी धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत कुचालक होती हैं। जैसे कि रबर, जिसके आपके टायर बने हैं और शायद आप पेंसिल को मिटाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक रबर है जो कि एक अधातु का ही प्रकार। बच्चों आपने बिजली के तारों पर एक रबर की परत देखी हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रबर विद्युत कुचालक है
और इसलिए इसे बिजली के तारों पर लगाया जाता है ताकि गलती से भी छूने से हमें बिजली के तारों से करंट ना लगे। बिजली की तारें जो होती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो अक्सर तांबे की बनी होती हैं। तांबा क्या है? तांबा एक धातु है और धातु विद्युत सुचालक होती हैं। इसलिए उसमें से करंट यानी कि विद्युत प्रवाहित होता है। अब अगर आप गलती से भी तांबे की तार को, बिजली के तार को छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है। उसी से बचाने के लिए अक्सर बिजली के तारों पर एक रबर की परत चढ़ाई जाती है। तो अब फिर से सवाल ये है कि क्या सभी अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं? नहीं बच्चों, एक ऐसी भी अधातु है जो कि विद्युत की अच्छी चालक है। आपको पता है क्या वो कौन सी अधातु है? नहीं तो ये देखिए। जी हाँ, इस चलचित्र में आपको एक पेंसिल दिखाई दे रही है और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। तो बच्चों, इस चलचित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे इन पेंसिलों के द्वारा हमने विद्युत को प्रवाहित किया। इन पेंसिलों को हमने तार से और बैटरी से जोड़ा और उस बैटरी से विद्युत प्रवाहित हुआ। इसी के कारण जो आप देख रहे हैं कि पानी के बुलबुले उत्पन्न हुए, वो दर्शाता है कि पेंसिल के द्वारा विद्युत प्रवाहित हुआ। तो बच्चों, याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। तो बच्चों, क्या अब आप एक खेल खेलना पसंद करेंगे? तो चलिए अब एक खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं एक तरफ धातु लिखूंगी और एक तरफ अधातु लिखूंगी और आपको भौतिक गुणधर्म बताऊंगी। आपको ये बताना है कि वह भौतिक गुणधर्म धातु का क्या होता है और अधातु का क्या होता है, और हर एक सही जवाब के लिए आपको एक अंक मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं? अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और धातु अधातु के भौतिक गुणधर्मों को वहां पर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म जो हम देखेंगे वो है भौतिक अवस्था। तो मैंने धातु लिखा और अधातु लिखा। अब जल्दी से बताइए कि धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है और अधातु की भौतिक अवस्था क्या होती है। लिख लिया आपने? तो अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो धातु हमें ठोस और द्रव अवस्था में मिलता है। अक्सर सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा धातु एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गुणधर्म देखते हैं जो है चमक। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि चमक किस में होती है, धातु में या अधातु में? चमक धातु में पाई जाती है और अधातु में कोई चमक नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा भाग है इस खेल का, लचीलापन। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि धातु में लचीलापन होता है या अधातु में होता है। तो अभी उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह कुछ तांबे की तार है, मतलब धातु में लचीलापन होता है और अधातु में लचीलापन नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए कि आघात वर्धनीयता का गुणधर्म धातु में पाया जाता है या अधातु में। जी हाँ, आघात वर्धनीयता का गुणधर्म धातु में पाया जाता है, यानी कि हम धातु को ठोक पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं कर सकते। तो चलिए अब अगला गुणधर्म देखते हैं जो है ध्वन्यात्मकता। अब जल्दी से बताइए कि ध्वन्यात्मकता किसका गुणधर्म है, धातु का या अधातु का? यानी पीटने पर आवाज किस में से आएगी, धातु में से या अधातु में से? जी हाँ, अगर हम पीटेंगे तो धातु में से गूंजने वाली आवाज आएगी और अधातु में से नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने स्कूल की घंटी को बजाएंगे, जो कि शायद तांबे की होगी या किसी भी धातु की होगी, तो उसमें से आवाज आएगी, लेकिन अगर आप लकड़ी को बजाएंगे तो उसमें से आवाज नहीं आएगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं
देखते हैं ऊष्मा चालक। तो अभी आप मुझे यह बताएंगे कि ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है, धातु या अधातु? हाँ तो बच्चों, धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऐसे ही अब हम देखते हैं विद्युत चालकता को। तो अब आप बताएंगे कि विद्युत का सुचालक कौन है और कुचालक कौन है, जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम उत्तर देखते हैं। धातु जो है वो विद्युत की सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। तो अब अपना खेल यहीं समाप्त करते हैं और आप सब अपने अपने अंक को जोड़ लीजिए। जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वो इस खेल का विजेता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने अधातुओं के बारे में क्या क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा कि अधातुओं में निष्प्रभता होती है, यानी कि वह गैर चमकदार होती है। हमने जाना कि अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी कि चोट मारने पर या अधिक दबाव देने पर वो टूट जाती हैं। इसके बाद हमने देखा कि वह अध्वन्यात्मक होती हैं, यानी कि उन्हें ठोकने या पीटने पर उनमें से कोई भी गूंजने वाली आवाज नहीं आती। इसके बाद हमने यह भी जाना कि वह विद्युत कुचालक होती हैं और ऊष्मा कुचालक भी होती हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज की वीडियो में पढ़ाए गए विषय समझ आए होंगे। आप इन सबको घर जाकर एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।